एक काफ़ी हैरान करने वाला मामला उत्तराखंड से सामने आ रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर विकास खंड के रखौली जूनियर हाई स्कूल में अचानक से 8 क्लास की बच्चियां रोने चिल्लाने लगी और फिर रोते रोते बेहोश होने लगी। इस घटना को देखते हुए जहां स्कूल में अफरा तफरी का माहौल मच गया तो वहीं शिक्षक भी डर गए। बतला दें कि शिक्षकों ने किसी तरह इन छात्राओं को जैसे तैसे करके संभाला। उनके अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर छात्राओं को घर भेजा गया। कुछ लोग इस घटना को मास हिस्टीरिया बता रहे हैं। बतला दें कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं पड़ोसी जिलों अल्मोड़ा, पिथौरगढ़, जमौली में देखी जा चुकी है और यह सभी घटनाएं सरकारी स्कूल के सामने से ही आई है। बतला दें कि इस घटना के बाद प्रशासन समेत डॉक्टर्स की टीम जहां जूनियर हाई स्कूल पहुंची तो वहीं छात्राओं की काउंसलिंग की गई। इस घटना के बाद स्कूल में डर का माहौल बना हुआ है। इस बात से हर कोई हैरान है कि छात्राओं को आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह रोने चिल्लाने लगी और उनका व्यवहार इतना बदल गया। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग इस पूरी घटना से कस्ते में आ गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर्स की टीम भी बागेश्वर के स्कूल पहुंची और स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले बच्चों के बीच इस तरह के असामान्य गतिविधियों को देखने को लेकर के जो उनके अंदर डर था उससे लेकर काउंसलिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि लड़कियों और लड़के समेत कुछ छात्र इस तरह का असामान्य व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और कांप भी रहे थे। बिना किसी भी रीजन के वह अपना सिर पटकने लगे और फिर रोते रोते बेहोश हो गए। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे लेकर के बतलाया कि गुरुवार को एक बार फिर से इसी तरह की स्थिति देखने को मिली जहां बच्चे इसी तरह का असामान्य व्यवहार करने लगे। इसके बाद तुरंत बच्चों के माता पिता को इस बात की जानकारी दी गई और बच्चों को उनके घर भेजा गया। लड़कियों की इस तरह के हालत को देखकर स्कूल के साथ साथ आसपास के जगहों में भी काफ़ी ज़्यादा डर बन चुका है। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।